मुझे लग रहा है कि जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको सिर्फ बिल बांटने के लिए रखा है, और बिल बांटने के लिए रखा है लोगों के घरों तक जाए, दुकानों पर आप बिल पहुंचा दीजिए, लोगों को बिल दे दीजिए, लेकिन बिजली में कोई सुधार नहीं लाना है। ये रोलका की वो बदलती तस्वीर है जैसे यहाँ पर आज भी सरसब्ज पेड़ों और लकड़ी के खंभों के सहारे बिजली का निज़ाम चल रहा है। बरसों से यहाँ पर वोट के साथ सौदा हुए, वोट की राजनीति हुई है। वोट तो मांगे गए, वोट तो इनसे लिए गए, लेकिन इनके दोबारा इनके इलाकों का रुख नहीं किया। नतीजा ये है कि आज भी ये लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। और मैं इस समय रोलका के मैं मौजूद हूँ, और रोलका की ये ताज़ा तस्वीरें आप जो है अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। हालांकि बनी अपडेट के माध्यम से हमने आला प्रशासन तक कितनी बार जो है ये तस्वीरें पहुंचाई, लेकिन उनके कानू तले जू भी नहीं रिंग रही है। ना भी था सर। अच्छा हाँ जी, जेड़े वो मीटिंग करने आंदे हो प्रोफेसर वो आंदे ते होना नीते फोटो शोटो उत्थुआ बाद कोई आए नहीं अज तक। अच्छा। लैंड मैन कोई नहीं आए थे, शाल्ट खंबा दो तीन दिन मेरी शाल्ट होया उत्थुआ बाद आए नहीं, आए नहीं, फिर आए तो छड़ाई हुए बस। तारा देखो जनाब कुछ साफ दी कैमरा पास संजीव को मैं कहना चाहूँगा वो जरा इस मकान की तस्वीरें दिखाएं, जो ये रिहायशी मकान है, सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह की सूरत हाल है इस बिजली का, किस तरह के निज़ाम जो है उनके घरों तक पहुंच रहा है। अगर मैं सारे ये एरिया अगर की बात करूं रोल के इलाके की, ये पहली बार नहीं है ऐसा कि हमने रोल के इलाके से इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हो। जब बोलो तब बिल लेके रिदरी डाल देते हैं, महीने का महीना बिल आता है, स्कूटी सबकी है मगर दो दो तीन तीन बिल आते हैं सर। दो तो नहीं, बिल तो एक ही आएगा ना। बिल एक ही कैसे आएगा, अभी दिखाते हैं बिल जनाब, मेरे को तीन बिल आते हैं, वो क्या हमारे वास्ते एक बकरी एक घर होगा तो बिल तो एक ही आएगा। तीन सर मेरे को तीन आते हैं, सच बोल रहे हो? बिल दिखाते हैं, दिखाते हैं बिल एक बकरे की और मेरी सिक्योरिटी है सर। ये गवर्नमेंट कैसी है? और सर देखो जिस वक्त ये बर्फ पड़नी है तो हमने ये तार जेड़ी ये नखाड़ के साइड रख देनी है, और पीछे बाद में बिल आ जाएगा जनाब। खंभे दियो तार फिट करो तो वो तार शार कुछ नहीं फिट करते, वो ठेकेदारी काम है। ठेकेदार दिखाई नहीं देते हैं, ना सरकार है ना जंगलात है ना कुछ भी नहीं है, छड़ा पैसा लेने के लिए चलते हैं। वो बोलते हैं लियाओ पैसा, लियाओ पैसा, लियाओ पैसा, बिल लियाओ, बिल देना इतना पैसा बन गया, इतना किराया, बिल जमा करवा रहे हो? बिल जमा जनाब ऐसी करा रहे हैं। अभी कितना बिल आया है? अभी 301 आया है और 401 आया है। वो जमा करवा दिया? नहीं करवाया, मैंने अंदर रखा है, एक करवाया है। तीन दिन घर एक ही है पक्का जनाब? ये मेरा मकान है, देखो मेरे मकान की किन तारा लगी है देख लो सर। लेकिन लब्बा नहीं है कोई बदलाव ही नहीं है सरकार काम को, तो कोई फायदा ही नहीं है। छड़ा पैसा लेने के लिए आते हैं, बिल देते हैं और दो बिल आ गए और तीन बिल आ गए, ले आओ पैसा, ब्याज लगता है उधर में, पैसा देना है सर नहीं देना। वोट देते हैं? वोट सर हम एक बार थोड़ी देते हैं, 100 बार वोट देते हैं। वोट लेने के वोट देने का फायदा क्यों? वोट लेने के लिए आते हैं जनाब, सब कुछ मन जाते हैं, वोट लेकर भाग जाते हैं और फिर कुछ नहीं देते हैं। हमारी कोई गैल पक्की नहीं है, हमारा कोई बिजली ठीक नहीं है, हमारा कोई रोड। उन्होंने तो कहा होगा ना कि आपकी बिजली ठीक करेंगे। ठीक करेंगे तो कुछ भी ला करेंगे, ऐसे ही करेंगे। जब वोट मांगने आ रहे थे और सर हम बोलते हैं बिजली मन जाते थे, आए थे सर, क्या क्या बोल रहे थे कि बिजली ठीक करेंगे? अब बिजली ठीक करेंगे, रोड देंगे, गैली जो कच्ची है उसको पक्की बनाएंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, तो बाद में दिखाई नहीं देते हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठ। झूठ बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है सर। इस बार जब आएंगे क्या करोगे? इस बार कुछ नहीं करना है सर, पूछना है, पूछ के देंगे उनको, पूछना है कि क्या विकास किया है। नहीं ये खंभा क्यों नहीं लगा, तारें ठीक क्यों नहीं? 5 साल से नहीं हुआ, अभी अभी होगा, अभी नहीं होगा, अभी तो लक्ष्य 75 साल से नहीं, आजादी को 75 साल हो गए, 75 साल हो गए हैं। अब हम तो 5 साल की बात कर रहे हैं। हाँ। 5 साल MLA बोला, उससे पहले भी तो आपने वोट दिए होंगे? पहले भी दिए सर, सबको दिए होंगे, सबके दिए, सबको दिए, सबको दिए, लेकिन विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। इस बार पूछना है हमने, आमिर के आप तो बोलते हैं अपने अपने वोट का, जो आपने वोट दिया है उस वोट का हिसाब किताब तो मांगोगे इस बार? मांगना ही नहीं है, मांगना है पर मांग कर वो मान जाते हैं, बाद में हमारी बात ही नहीं पूछते हैं सर। आप हैं भी कौन,
और कुत्ते की कदर होती है, हमारी कोई कदर नहीं है, हमारे मकान जल जाएंगे। नहीं है, नहीं, नहीं 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 है कदर सर, फिर कदर होती तो ये बिजली के खंभे देखो सर कैसे हैं हमारे, देखो जाल बना है ना, देख लो अपना फोटो चेक लाओ इस बिजली का, देखो है कुछ, मकान को आग लग जाएगी तो कौन देगा मकान हमको बनाकर फिर, और कितने मकान जल गए हैं सर, हमारे वास्ते तो कुछ अंधेरा अंधेरा है। वोट लेने के लिए आते हैं तो सब कुछ मानते हैं, बाद में कुछ नहीं देते हैं सर। जाहिर सी बात है कि बरसों से यहाँ पर वोट के साथ सौदा हुए, वोट की राजनीति हुई है, वोट तो मांगे गए, वोट तो इनसे लिए गए, लेकिन इनके दोबारा इनके इलाकों का रुख नहीं किया। नतीजा ये है कि आज भी ये लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। तो सवाल कि आखिर ये बदलाव कब आएगा? वोट हासिल करने के बाद क्या यूं ही आप मौज करते रहेंगे, आयश परस्त हो जाएंगे, फिर दोबारा इनके यहाँ पर इनके इलाकों में आप नज़र नहीं आएंगे? क्या यही आपकी राजनीति है या क्या यही विकास है कि वोट हासिल करने के बाद दोबारा इन इलाकों में आप रुख ही नहीं करेंगे, विकास की ओर ध्यान ही नहीं देंगे? कुछ भी नहीं, बड़े ही अफसोस होता है इन इलाकों में जाकर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों से वोट की राजनीति हुई, वोट तो झोली भर भर के लोगों ने दिए लेकिन विकास ही नहीं किया।